शिकारा भी है, दूसरे बोट भी हैं, आप ये सारे बोटों का मज़ा ले सकते हो। अच्छी जगह है, पिकनिक कर सकते हो, गर्लफ्रेंड के साथ आओ तो ऐसे रोमांस भी कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, हम सुबह सुबह उठ चुके हैं अब, तो चार में से अपना एक भाई यहाँ सो ही रहा है, दूसरे दो वहाँ बगल में सो रहे हैं, दोनों को उठाता हूँ क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 9, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो अभी लोग अभी सो रहे हैं, लाइट जलाता हूँ, उनको उठाता हूँ। और यार लाइट बंद करो यार। अरे गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया, 9 बज गया, 9 बज गया। मॉर्निंग, उठ जाओ यार, सुबह होगी, निकलना है फिर। अरे उठते लड़ाई कर रहा है लोग। A few moments later, हम अब निकल रहे हैं यहाँ से इको पार्क के लिए। अभी टाइम हो रहा है 11, क्योंकि 11 बजे के बाद खुलता है, तो अभी हमने रूम हम यहाँ ही लिया था, रूम हमने छोड़ दिया है और भाई लोग रेडी हैं, गाड़ी में बैठे हैं, बस मेरा वेट कर रहे हैं। चलते हैं फिर अब हम अपने इको पार्क की तरफ। गाइस ये देख सकते हैं, जो मेरे ऊपर है ये है हैंगिंग रेस्टोरेंट, ये इंडिया में ये पहला ही है साइट है ना, तो ये बहुत सुंदर है यार। तो हम इको पार्क की तरफ निकल रहे हैं और इधर का व्यू देख सकते हैं गाइस, हम बहुत ज़्यादा जाम है, सुबह का टाइम है, ऑफिस वगैरह सब जाते रहते हैं अभी, तो हम भी निकलते हैं सीधा यहाँ से, करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग आ गए सिटीजन 2 के पास, क्योंकि रास्ते में और कुछ मिला नहीं, तो यहाँ कचौड़ी खा रहे हैं, इसके बाद निकलेंगे। हम पहुँच चुके हैं इको पार्क के पास, ये गेट नंबर 1 है जो बगल से गुजर रहा है, हमको गाड़ी से आए हैं तो इस कारण से हमें इसके अंदर ले जाना पड़ेगा। अब इसके अंदर कहाँ से रास्ता है वो देख लेते हैं, सबसे आगे से है। जो प्राइस है गाड़ियों का देख सकते हैं आप, 50 रुपीज। तो गाइस फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं इको पार्क के पास और हमने अपनी गाड़ी यहां पार्क कर दी है, क्योंकि हम जल्दी आए हैं, तो जिस कार से खाली, अगर 4-व्हीलर से आते हो तो आप गेट नंबर 1 पे गाड़ी खड़ी करिए, और अगर आप 2-व्हीलर से आते हो तो गेट नंबर 2, और वैसे तीनों गेट से आप अंदर जा सकते हो, लेकिन पार्किंग का जो है हर गेट का अलग अलग वो है सिस्टम। अब मैं जाता हूँ वो देख सकते हैं आप काउंटर, वहाँ से टिकट लेता हूँ, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। तो गाइस मुझे मालूम है वीडियो मेरा बहुत मज़ेदार बनने वाला है, तो गाइस आप वीडियो को पक्का लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। टिकट काउंटर ये सामने है, 30 रुपये करके पर हेड टिकट है, ये देख सकते हैं गाइस। इसका टाइमिंग है देख लीजिए, ट्यूसडे टू सैटरडे 12 PM to 7:30 PM, संडे और हॉलीडेज़ में 11 बजे से खुलता है 7:30 तक, मंडे को क्लोज रहता है। हमें पता ही था इसलिए कल हमने गलती कर दिया था, और आज तो खुला ही है, और क्लोजिंग टाइम नॉर्मल डे में 6:30 पे, और टिकट प्राइस आपको पता चल गया होगा 30 रुपये। तो इधर दो जगह टिकट लगता है, यहाँ लेना पड़ता है और अंदर जब आप 7 वंडर्स देखेंगे तो उधर एक टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट्स हमारे हाथ में आ चुकी हैं, हम 4 जन हैं तो 4 टिकट। तो अब हम एंट्री करते हैं अंदर गेट से, यहाँ से एंट्री गेट है इसका, एंटर करते हैं हम अंदर। तो ये एंटर कर चुके हैं यहाँ से, अभी ये यहाँ का मैप है, थोड़ा मैप देख लेते हैं यहाँ पर। ये एंटर होने के बाद यहाँ पूरा डायरेक्शन अच्छे से बताया हुआ है यार, मतलब पार्क बहुत सही है, और इधर ये देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश और बंगला में दोनों में लिखा हुआ है। तो यहाँ का व्यू जो गाइस है बहुत प्यारा व्यू है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इको गार्डन है, नाम से पता चलता है कि इको फ्रेंडली गार्डन है ये। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ एंटर करते ही हमको पहले ही एक छोटा सा ब्रिज मिल गया, तो हम अब रिवर साइड जा रहे हैं। तो गाइस मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, ये जो इको पार्क है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इको टूरिज्म पार्क है। ये जो इसका जो एरिया है वो टोटल 460 एकड़ में है, और इस इधर के टोटल 4 गेट है जैसे मैंने बता दिया। एक पहला गेट है जिससे आप कार से आते हो तो फर्स्ट गेट पे आप पार्किंग लगा सकते हो, दूसरे गेट पे आप बाइक लगा सकते हो, तीसरे चौथे से आप बस या टैक्सी के थ्रू आते हो तो आप आ सकते हो,
और गाइज यहाँ के आने का रास्ता मैं बताता हूँ। अगर आप स्टेशन की तरफ से आ रहे हो तो आप बस के थ्रू भी आ सकते हो और टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हो। मैं वो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कौन सी बस से आप आ सकते हो यहाँ के लिए। और अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो वहाँ से भी आप टैक्सी और बस से आ सकते हो यहाँ आने के लिए। मतलब बढ़िया फैसिलिटी है, आप किसी से भी आ सकते हो। सही में ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी बीच के बगल में आकर खड़ा हूँ मैं। ये आपको मैं 360 डिग्री में यहाँ का एरिया दिखा देता हूँ आपको मैं। गाइस आप यहाँ पे ये साइकिल राइड कर सकते हो जिसमें एक साथ दो बंदे बैठ सकते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ इसका प्राइस वगैरह क्या है। सो गाइस यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अगर आप ऑनलाइन आप इनको पे करते हो तो 600 रुपये देना पड़ेगा आपको, अगर ऑफलाइन देते हो तो 500 रुपये देना पड़ेगा। जब आप इनकी साइकिल इन्हें वापस कर दोगे तो ये आपको 350 रुपीज़ रिफंड कर देंगे, सिर्फ ये 150 रुपये चार्ज करेंगे आधे घंटे का 150 रुपये। तो गाइस वैसे अच्छा ऑप्शन, और इसमें एक एक साइकिल में दो बंदे मतलब राइड कर सकते हैं इसको। ये देखिए दोनों तरफ पैडल लगे हुए हैं तो बड़ा मज़ा ही आएगा मेरे ख्याल से, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 150 रुपये सस्ता ही मिला लगा मुझे आधे घंटे के लिए। सही है, आप साइकिल लो और आधे घंटे में आराम से घूम सकते हो पूरा। हमारे गैंग का साइकिल प्लान कैंसिल हो गया तो हम लोग पैदल चलते क्योंकि हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर नॉर्मली आप घूमने आते हो ना तो साइकिल बेस्ट है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए साइकिल बेस्ट नहीं है क्योंकि आधे घंटे तो हमारा कुछ नहीं, हमें कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा मुझे लगता है यहाँ। बाकी यहाँ का व्यू गाइस बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे ऐसे आपको बैठने के लिए बहुत सी जगह मिल जाएगी, आप इधर आके इनमें बैठ सकते हैं, अब यहाँ अपना पिकनिक कर सकते हैं ला के अपना, कुछ भी बाहर से ऐसा कोई मना नहीं है, खाना पीना लाना लेकिन गंदगी नहीं फैलाना इधर, यही सीन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ देखिए नारियल के पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है, यह लोटस के पेड़ हैं यार, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। ये गाइस एक तरीके का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, ये देख सकते हैं आप, कैफे एक्लेंटी के नाम से फ्लोटिंग है ये। और इधर ये बोट वगैरह हैं, इधर बोटिंग है, इस टाइप के बोट है यहाँ पे, आप बोटिंग कर सकते हैं। वो काउंटर मुझे दिख रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या प्राइस है। तो अंदर जो ये सब राइड वगैरह है ना ये सब का चार्जेस अलग है। ये शिकारा का 30 मिनट का प्राइस है, 2 से 4 मैक्स बैठ सकते हैं, 300 रुपये है, मतलब 30 मिनट आपको पानी में घुमाएंगे। दूसरा जो बोट है इसका भी सेम है, 30 मिनट घुमाएंगे, 2 से 4 लोग बैठ सकते हैं और 200 रुपये प्राइस है। इस तरह आप बोटिंग कर सकते हो, शिकारा भी है, दूसरे बोट भी है, आप ये सारे बोटों का मज़ा ले सकते हो। तो गाइस ये टॉय ट्रेन था, टॉय ट्रेन का टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये देख सकते हैं इसका प्राइस है, ये देख सकते हैं आप, टॉय ट्रेन 150, मतलब एसी का 250 है और नॉर्मल का 150 रुपये है। यहाँ गाइस आपको हर जगह ऐसे हरा भरा दिखेगा, ये देखिए। तो अब जो ये है ये रोज़ गार्डन है, इधर आपको हर तरह के फूल मिल जाएंगे, गुलाब के, रेड, वाइट, आगे जितना बढ़ेंगे उतना सुंदर सुंदर फूल। गाइस यहाँ पे आपको ऐसे बहुत से मतलब स्टैचू टाइप में मिल जाएंगे, यहाँ हिरन था, यहाँ हाथी है, इधर और भी हिरन है, इधर वो देख लीजिए बंदर है, और इनको छूना मना है, इसको मार्स गार्डन के नाम से बोलते हैं, इधर बहुत तरह के मार्क्स है। और ये जो है ये 3rd नंबर गेट के पास ही आप एंटर करोगे तो पहला आपको मार्स गार्डन ही मिलेगा। तो जैसे ही आप मार्स गार्डन से बाहर निकलेंगे तो आपको सामने एक टॉय ट्रेन दिख जाएगा जो कि दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन है, और यहाँ एक स्टेशन भी लिखा हुआ है घूम नाम से जो कि दार्जिलिंग में ही है। आप इधर आके फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हैं, अभी शायद से यहाँ से बंद किया हुआ है, आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, बाकी आप यहाँ से फ़ोटोशूट कीजिए। नेक्स्ट जो है यहाँ से निकलते ही फूड कॉर्नर आता है, ये चिल्ड्रन पार्क है, इधर से आते ही यहाँ पे ये 7 वंडर्स वाला आ गया है। तो गाइस अगर आपको ये 7 वंडर्स के अंदर घुसना है तो उसके लिए टिकट लगता है, और ये देखिए यहाँ टिकट मिलेगा,
तो गाइस ये देख लीजिए, टाइमिंग वही सेम ही है और इधर का अलग से 30 रुपये लगता है पर हेड। चार जन का 120 का टिकट ले लिया है हमने, अब हम चलते हैं। सो गाइस टिकट लेने के बाद यहाँ पे इसका मैप बना हुआ है कि इधर 7 वंडर्स जो है सबके नाम भी लिखे हुए हैं और हमको यहाँ से एंट्री करना है। तो भाई टिकट दिखाओ, एंट्री करते हैं फिर हम लोग। बिना टिकट चेक कर लिया हमारा, अब एंट्री करते ही पहले हमको मिलता पिरामिड। यही फेमस चीज़ है यहाँ की यार, ये अभी लास्ट 3-4 साल के अंदर ही बना है, पहले नहीं था। और टूरिस्ट जो आते हैं मैक्सिमम इस चीज़ को देखने आते हैं कि जो खासकर बच्चे जो होते हैं, जो किताबों में हमने पढ़ा है वो यहाँ लाइव दिखाया जाता है। तो बहुत अच्छा जगह है ये। चलो गाइस अब चलते हैं, एक एक जगह घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट पिरामिड देखते हैं। तो इसके अंदर गेट टाइप में है, यहाँ से खुला है। अच्छा तो अंदर जा सकते हैं ऐसे हम, तो देखते हैं अंदर क्या है। तो वैसे ही देख सकते हैं पूरा वॉल पे पूरा बनाया हुआ है। और इसमें एक मम्मी टाइप का लेटाया हुआ है। तो गाइस ये जो पिरामिड है ये असली में लोकेटेड है इजिप्ट में। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ, फिर इसके अंदर चलते हैं। इसके वॉल भी बहुत अच्छे पेंट किए हुए हैं, मतलब एकदम रियल लग रहा है ये चीज़। अब थर्ड की तरफ चलते, तीसरे की तरफ। तो अभी हमने 3 कंप्लीट कर लिया है, अब चौथे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे इंडिया के ताजमहल में। ताजमहल आगरा में है। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट। ये 5 हमने कवर कर लिया, अब छठे पे जाते हैं। ये जो है मुझे लग रहा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का लग रहा है, ये चाइना में लोकेटेड है क्योंकि जैसे कि आपको पता है इसका नाम ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। हमने 5 घूम लिया है, अब जो आखिरी है उसमें चलता है सीधा। तो गाइस यहाँ एक वाटरफॉल टाइप में हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है तो जिसके कारण बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इसका नहीं मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है सही में, मस्त है ये। इको पार्क घूम चुके हैं हम। बाकी गाइस बहुत बड़ा पार्क है, पैदल घूमना बहुत 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 थक जाता है बंदा, तो हमसे जितना पॉसिबल था आप फवारे का मज़ा लो। ये देखो फवारे कैसा है, वाह यार, मतलब ठंड गर्मी में ये चीज़ मिल के ठंडक मिल रही है यार कसम। मेन चीज़ें वो मैंने वीडियो में बता दी है, बाकी आप यहाँ आओ, अच्छी जगह है, पिकनिक कर सकते हो, गर्लफ्रेंड के साथ आओ तो ऐसे रोमांस भी कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के साथ आओ तो आप अपना कहीं बैठ के अच्छा सा पिकनिक कर सकते हो, मज़ेदार जगह है, मुझे बहुत पसंद आया। बाकी यही है, कलकत्ता में ये बहुत बड़ा एरिया में एक अच्छा गार्डन है। तो जैसा कि अब टाइम हो रहा है 4 और ये सनसेट देखो, सनसेट तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का डाउन हो गया सन, तो इधर का व्यू बहुत अच्छा हो गया। हाँ सनसेट के लिए अभी टाइम है लेकिन धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और व्यू वैसा ही है, बस क्राउड बढ़ चुका है पहले से, क्योंकि जितना यहाँ शाम हो जाएगा
उतना क्राउड बढ़ जाएगा। इको पार्क दोबारा कभी आऊँगा फिर से और मैं इसको पूरा घूमूंगा। लगभग वैसे सारा कवर कर लिया है लेकिन फिर भी शाम का जो एक शो होता है उसको कवर नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं दोबारा आऊँगा। तो अब हम जा रहे हैं एक नंबर गेट की तरफ, क्योंकि गाड़ी से आए थे, गाड़ी दूर पार्क है तो पैदल चलना पड़ेगा। थक तो मैं भी गया हूँ, मेरा भी मन नहीं करना चलने का लेकिन मजबूरी है, घर वापस जाना तो गाड़ी ले जाना। तुम थका है कि नहीं? बहुत ज़्यादा थक गया है भैया, बहुत ज़्यादा थक गया ना। बड़ी मुश्किल से इन पाँव को चला के लेके जा रहे हैं। अब पहुँचते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, फिर घर निकलेंगे क्योंकि अब पॉसिबल नहीं और घूमना। पार्क एक दिन में पूरा एक्सप्लोर करना बहुत ईजी नहीं है, बहुत ही हार्ड है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं एकदम बहुत हार्ड है, ये नहीं बोलेंगे। इधर बहुत सी चीज़ें, जैसे साइकिल वगैरह लेके आप घूम सकते हो, ये जैसे ये इलेक्ट्रिक कार है आप इनमें घूम सकते हो। अगर आप एजेड हो तो आप इसको पक्का प्रेफर करता हूँ मैं कि आप ये सब ले लो, साइकिल लेके घूमो। लेकिन हम लोग को क्या था, वीडियो बनाना था, तो जिस कारण से हम शूट में इतना ज़्यादा मतलब हमने टाइम को यूज़ कर लिया ना कि हम थक चुके थे। हम कहाँ 12:30 बजे घुसे थे और अभी 4 बजा था, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, टायर्ड। और ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा है ना यार, सर पकड़ रहा है बहुत तेज़। आपने पानी पिलाया हमें, बहुत देर से प्यास लगा हुआ था और हमने मुँह भी धो लिया, बहुत सर दर्द दे रहा था। थैंक यू दादा, सबसे ज़्यादा पुण्य का काम दादा ही कर रहे हैं क्योंकि पौधों में पानी डाल रहे हैं यार, ये काम बहुत अच्छा काम है। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी यार, पाँव दर्द हो गए मेरे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो पक्का लाइक करना जरूर यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, शेयर भी जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पे नए हो। अब घर चलते हैं, फिर कोई नया वीडियो कहीं निकलेंगे। कहीं प्लानिंग ऐसा है कि कल एक दो दिन में मैं ऐसे मालदा साइड जाऊँ, मेरे दोस्त की शादी है, तो अगर वहाँ जाता हूँ तो मैं वहाँ का वीडियो भी पक्का डेफिनेटली बनाऊँगा। तो गाइस, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग मस्त रहना, एंजॉय करना, मेरे ब्लॉग जरूर देखना। तब तक के लिए गाइस, बाय।